अगर आपके पास आउटलुक में ये वाला मैसेज आ रहा है तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, इंटर योर यूज़र नेम एंड पासवर्ड फॉर द फॉलोइंग सर्वर। यहाँ पर सबसे पहले सर्वर का नाम यहाँ पर दिया गया, उसके बाद यूज़र नेम एंटर करना और पासवर्ड, ये सब चीज़ें आप कहाँ से सेट कर सकते हैं, इसको यहाँ पर हम आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम जो हमारा जीमेल का अकाउंट है उसके ऊपर आएंगे और वहाँ पर जो ये पासवर्ड है और इसका जो यूज़र नेम है वो यहाँ पर सेट करेंगे। तो हम जीमेल अकाउंट के ऊपर आ जाते हैं, यहाँ पर जीमेल अकाउंट के ऊपर आएंगे और यहाँ पर सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे और सी आल सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे फॉरवर्ड एंड पॉप आई मैप, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और नीचे यहाँ पर हमें ऑप्शन दिया गया इनेबल पॉप फॉर ऑल मेल, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और नीचे जो ऑप्शन दिया गया स्टेटस वाला यहाँ पर इनेबल आई मैप करेंगे और इसको सेव चेंज के ऊपर क्लिक करेंगे। हमारी जो सेटिंग है वो सेव हो चुकी है। अब दोबारा हम यहाँ पर क्लिक करेंगे यूज़र नेम के ऊपर और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे मैनेज योर गूगल अकाउंट। यहाँ पर आपका जो सिक्योरिटी वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पर इनेबल होना चाहिए, टू स्टेप वेरिफिकेशन, और उसके बाद यहाँ पर हम टाइप करेंगे ऐप पासवर्ड। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे ऐप पासवर्ड के ऊपर, यहाँ से हमसे पूछ रहा है किस ऐप के लिए आपने यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट करना है, तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे आउटलुक और इसके बाद क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे। हमारा जो पासवर्ड है यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, इसको हम कॉपी करेंगे, इसको हम कॉपी करेंगे कंट्रोल सी और उसके बाद आउटलुक के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पर जो हमें मैसेज शो हो रहा है इसके अंदर यहाँ पर हम यूज़र नेम आपका यही रहेगा जो हमने पासवर्ड कॉपी किया है, इसको यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे और सेव दिस पासवर्ड इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसको ओके कर देंगे। यहाँ से फिर हमें री पासवर्ड मांग रहा है, इसको हम फिर पेस्ट करेंगे इसी पासवर्ड को और इसको ओके कर देंगे। दोस्तों ये थी आज की क्लास कि किस तरह आप जो आउटलुक का जो एरर है आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेटवर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़।